आपकी टीम में जितने एक्टिव लोग हैं, इनएक्टिव को तो छोड़ देता हूं मैं, आपकी टीम में जितने एक्टिव लोग हैं क्या वो 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं क्या? अब क्या दे शाबाशी दें कि क्या कर रहे हैं भाई? डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है ये। हेलो जय आरसीएम, जय आरसीएम, ये तो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है ना ये। तो डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि भाई जो प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचना है वो हमारे माध्यम से पहुंचे, बराबर है ना? कोई और तरीका है क्या इसके अलावा इस सिस्टम में? अच्छा तभी जा करके तो ये संभव है कि हम जो बात कर रहे हैं कि शहर में अनगिनत टेक्निकल अचीवर हो या जो भी लेवल आप मानते हैं अच्छा जो अपने लिए गोल सेट किया है वो हो, तभी पॉसिबल है। और कोई तरीका है क्या? नो भाई, या तो नए लोगों को जोड़ के आप ये काम कर सकते हैं या जितने लोग जुड़े वो प्रोडक्ट यूज करें, इसके अलावा और कोई आपके पास कोई तरीका है क्या? यही तो है ना, ये तो सरल ही तो काम है कि भाई जो पेड़ लगाया उसको बचाना है, उसका ध्यान रखना है बड़े होने तक, और उसको जो खाद पानी चाहिए वो देना है, और उसके बाद में जो उसके फल होंगे वो किसको मिलेंगे, उससे जो छाया होगी वो किसको मिलेगी, और आपके नीचे जो टीम है उनको मिलती जाएगी, क्योंकि आप तो खुद एक वृक्ष है, आप तो मजबूत है, आपकी तो जड़ें मजबूत है, आपके तो नीचे एक छोटा सा पौधा लगा है, तो उसके फल किसको मिलने वाले हैं, वो आगे के पर्सन को मिलने वाले हैं। तो अगर प्रोडक्ट ही यूज पूरे नहीं कर रहे हैं वो, या आप उनको रोक नहीं पा रहे हो, बचा नहीं पा रहे हो, तो ये बड़ा काम कैसे संभव है? तो इसके लिए क्या करना है, आप निकाल लेंगे, इसका इलाज कर लेंगे। इसमें मैं एक तो बात कर लेता हूँ, चलो आज अभी क्योंकि हम बैठे इकट्ठे हुए, कि इसमें क्या होता है कि हमारी बहुत बड़ी एक चीज क्या है कि हम आरसीएम के बारे में पूरा लोगों को बता नहीं पा रहे शायद, या आप लोग बताएंगे कुछ और कारण कि क्या कारण है, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग रुक नहीं रहे या लोग सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। मैंने एक कारण चलो बता दिया कि भाई हम आरसीएम के बारे में पूरे प्रोडक्ट के बारे में बता ही नहीं पा रहे, हो रहा है क्या ऐसा? सहमत है क्या? ऐसा हो जाता है। और क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से नहीं रुक रहे हैं? कौन नहीं आता है सर? पास में सेंटर्स नहीं है। यस, वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाते, राइट? यस, इतनी सारी है क्या कमियां? फील्ड में जाने में मिलता है सर, एजुकेशन की कमी है। चलिए पॉइंट समझ में आ गया कि भाई हम ठीक से लेटे से उसको एक लाइन में ले लेते नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगी बातचीत, कि भाई ठीक से बता नहीं पा रहे ऐसा मान लो। यस, एक मिनट ऐसा मान लो, प्रेजेंटेशन सही नहीं तो सलूशन करना है तो कहीं ना कहीं बात को कंक्लूड तो करना पड़ेगा। तो एक ये समझ में आया प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का एक इशू है, ठीक है। और कोई नया कारण? जय आरसीएम, इतने भावुक मत होइए, आपने आपस में बातचीत चालू कर दी तो फिर मैं समाप्त करके जवाब दे दिया। तो हम तो कारण ढूंढ रहे ना, फिर मैं आपसे जानने ही आया हूँ। जैसे उन्होंने बोला मान लो प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा, मान ली बात, मानने में कोई बुराई है क्या? मैं एक मिनट के लिए मान लेते नहीं तो भाई साहब करो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, मानने में कोई बुराई है क्या? अरे चलिए नया कोई कारण, और चलो एक मिनट के लिए वो भाई साहब की बात भी मानते हुए कि कोई पूरे 100% में से यानी कि 400 प्रोडक्ट में से हो सकता है कि 10 प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट के प्रोडक्ट की प्राइस से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन उसके पीछे कारण होगा ना कुछ yes. तो जानकारी होगी तो समस्या समाधान हो जाएगी। अभी आप दाल की बात करोगे कि दाल महंगी है, अभी आप बोलोगे हेल्थ ड्रिंक महंगा है, ठीक है, वो खुल के बात कर रहा हूँ बिल्कुल एकदम, तो आपको लेकिन समझाना आना चाहिए ना। yes, yes. मगर आपके जो मतलब कितना हो गया 10 प्रोडक्ट 400 में से 10 एक प्रोडक्ट ही होंगे ना, तो ज्यादा हो सकती प्राइस वो भी थोड़ी बहुत होगी, लेकिन जितनी प्रोडक्ट की प्राइस कम है वो भी तो मुद्दा है। और क्वालिटी नहीं हो सकता ऐसा नहीं, गलत देखो मैं गलत बात का साथ कभी नहीं देता हूँ, हो सकता है 5-10 प्रोडक्ट की हो बट वो ज्यादा है, उसके पीछे कारण है, ठीक है, वो हमें जानकारी होनी चाहिए। एक कहा आपने कि भाई जानकारी हमें होनी चाहिए सभी चीजों की, वो पॉइंट अच्छा है। और किसी का नया पॉइंट है लास्ट? ठीक है, तो ओवरऑल समझ में आ गया कि भाई हमें जानकारी होनी चाहिए, तो वो तो आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा भाई। हमने तो यही कीड़ा उठाया कि भाई जो आप हो आप ही समृद्ध होगे, हम तो दूसरे की तो अभी बात नहीं कर रहे, जो है वो
सही बात है ना? अपन तो अपनी बात कर सकते हैं, दूसरे पे निर्भरता छोड़िए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो एक ये है। तो ओवरऑल बात ये है, सारांश ये है कि भाई हम देख रहे हैं प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी एक इशू है, ठीक है, जानकारी का अभाव है, नॉलेज की कमी है, बताने का तरीका ठीक नहीं है, ये ऐसे कुछ चंद पॉइंट है, है? Yes. अच्छा, इनका समाधान है क्या? Yes. किसके पास है? खुद के पास। है खुद के पास? तो फिर इंतजार किसका है? बस आपका है सर। तो फिर खुद के पास नहीं है, फिर मेरे पास है। जैसा आप कह देंगे ऐसे कर लेंगे। नहीं, यही तकलीफ है हमारे जीवन की। जय आरसीएम। सब मिलके एक बार साथ में बोलेंगे जय आरसीएम। भाई समाधान किसके पास है? समाधान किसके पास है? कोई और आके मदद कर सकता है? मैं बताता हूं कि समाधान जो है वो सिस्टम के पास है। उस पे काम किसको करना है? खुद को करना है। हमें पता था प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, तो हमने थोड़ी ना आकर के आपसे शिकायत करी कि भाई आप प्रोडक्ट ठीक से बेचते नहीं हो। हेलो, हमने ये थोड़ी ना कहा कि भाई आप ये प्रोडक्ट ठीक से आके बेचते नहीं हो, या फैक्ट्री में जाकर के सीधा उनको बोल दिया भाई तुम्हें बनाना नहीं आता, ऐसे काम नहीं चलता। यही अभी हो रहा है। हमें सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा और हमारे ऊपर पानी डालेगा, फिर हम उठेंगे और फिर कुछ करेंगे, राइट? हमारे पास सिस्टम के पास सारा समाधान है। एक उदाहरण के लिए बोलता हूं, आपने क्या बोला? प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं है? होता है ना, तुरंत नहीं मिलता। सोल्यूशन क्या है? डिस्प्ले होता है। दूसरा समाधान क्या है? दूसरा समाधान क्या है? होम डिलीवरी। जो तक तालियां, एक बार तालियां। तीसरा समाधान क्या है? तीसरा समाधान क्या है? अवेलेबिलिटी के लिए, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के लिए अच्छे खूबसूरत शानदार पिकअप सेंटर। अच्छे खूबसूरत शानदार पिकअप सेंटर। तो तीन तरीके अवेलेबल है। जैसे ही पता चला जहां पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी का इश्यू है, तो वहां पे आपका काम चालू हो जाना चाहिए। हम समस्या को देखते हैं और उसको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं। हमें जब दिखता है कि यहाँ पे आपकी एक कोई शिकायत है ना, छोटी से छोटी, आप बोलोगे कि मेरा यह हल्दी का पैकेट थोड़ा सा ऊपर से खुला हुआ आ गया, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसके ऊपर हमारी पूरी गठन बैठक बैठती है। हेलो, ऐसे ही काम नहीं होता है बातें करने से। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप बोलते हैं कि मेरा एक फोन किया था कंपनी में, ये उसका टिकट नंबर है, और उस पे मेरे को समय पे रिप्लाई नहीं मिला। अगर वो जानकारी में हमारे आता है, मेरी आवाज आ रही पीछे? आ रही है। अब थोड़ी शांति और ज्यादा आवश्यक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर ऐसा एक टिकट आता है कोई, और जैसे ही हमें पता चलता है कि इस टिकट का टीम ने टाइम से रिप्लाई नहीं दिया, उसकी वजह से हम आज लगातार 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 इंप्रूव कर रहे हैं और एक अच्छा सिस्टम बना पा रहे हैं। लेकिन ये कब किया है? जब खुद की कमी जैसी नजर आई, हम कमी को अभी स्वीकार कर लेते हैं और बल्कि उसमें भागीदार और बन जाते हैं, ठीक है? मैं चलिए ऐसे ही करता हूँ, एक प्रयास करते हैं सब, ठीक है ना? आप लोग सब जानते हैं सब बाकी लोग, तो ये समाधान सारा अवेलेबल है। अच्छा, आप बोलेंगे कि प्रोडक्ट के बारे में सीखना है। आप बोलेंगे प्रोडक्ट के बारे में सीखना है। कौन सिखाएगा? इतने वीडियोस अवेलेबल है, दुनिया भर की कंपनी में से प्रोडक्ट की ट्रेनिंग हो रही है, लगातार हो रही है, ठीक है? यूएस के प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कराई जाती है, अलग अलग स्थानों पे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग कराई। लेकिन जैसे ही आपको ये समझ में आया कि यार इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया था और सही तरीके से नहीं बता पाया, मुझे इसके बारे में सीखना है, वो खोज चालू होनी चाहिए। सबसे पहले वो बीज होना है अपने दिमाग के अंदर कि जैसे ही कोई कमी सामने आई,
उस पर सुधार करते जाओ, मैं बोलता हूँ कि आप खुद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। देता हूं कि रोज इस पे काम करते हैं, रोज रोज का होमवर्क ही यही है कि कमी ढूंढो। इसीलिए 10 साल बाद कंपनी में अभी तक अंदर बैठे थे, किसी को शक्ल भी नहीं दिखाते थे अपनी, ना नंबर किसी को देते थे, और आज खुला आपके बीच में आकर के फील्ड में खड़ा हूं। और ये 5 साल पहले 10 साल पहले सोचा था कि उस दिन फील्ड में जाऊंगा जब आपके बीच में से कोई खड़ा होकर के ये नहीं बोलेगा कि सर ये ट्यूब लीक कर रही है या मेरे प्रोडक्ट के अंदर पैकेट में सामान नहीं आया। जब सामने कोई कमी दिख रही है, जब कोई गड़बड़ दिख रही है, उस पे अपने खुद के ऊपर काम चालू करें, किसी और का इंतजार ना करें। वो पेड़ लगाया है, गलती से सड़क के बीच में लग गया, अब इंतजार कर रहे हैं वो लीडर आएगा, वो पहले उसको रक्षा करेगा तो बचेगा, गाय आके खाएगी, होता है कि नहीं होता है? Yes. अब इंतजार ये कर रहे हैं कि मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता, कोई लीडर आएगा वो बताएगा। अरे हिंदी में, इंग्लिश में, इतने वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पे आरसीएम गुरुकुल लीडर्स के वीडियोस सब लगे पड़े हैं, ज्ञान बढ़ रहा है पूरा, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई कोई आएगा, रजाई से बाहर निकलेगा, पानी डालेगा तो उठेंगे और करेंगे। ऐसे बनेगा क्या स्वावलंबन भारत? आपको खुद को सबसे पहले अपना गोल सेट करिए। हमने सबसे पहले गोल सेट करा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात, 10 साल पहले सोचा था कि मैंने कहा अभी फील्ड में जाऊंगा तो सब लोग खड़े होंगे, खाली बात नहीं करेंगे, ये तकलीफ है। मैंने कहा पहले इस तकलीफ को दूर कर दो, और भी ऐसी करो कि भाई तब मजा आया जाने में कि यार आप बोलो मजे से कि अच्छी चीज है। वही काम आप करिए तब आप प्रभावशाली बनेंगे, और किसी व्यक्ति के सामने जब खड़े होकर के आसिम के बारे में बता रहे होंगे ना, तो वो एक सेकंड में आपका हाथ पकड़ेगा कि लो भैया काम करता हूँ। उसको जब दोबारा फोन कर रहे होंगे ना, तो वो आपका फोन एक मित्र की तरह उठाएगा कि भाई हाँ यार बताओ आगे क्या करना है, क्योंकि उसको पूरी बात तो बताओ। yes, yes. उसको आरसीएम है क्या ये तो बताओ जी। अरे आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, अच्छा चलो मैं देखता हूँ ये प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्या है, भैया नजदीक का पिकअप सेंटर है, और वो उसके ग्रुप का है यार वो तो नहीं बताऊंगा। हम क्या कर रहे हैं पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, पता मतलब इतना हम इतना छोटा सोचते हैं कि खुद के खुद ही अपने आप को ही गड्ढे खोद के उसी के अंदर खुद ही डूबते जा रहे हैं। हेलो yes. मैं सिर्फ ये बात आप लोगों के बीच में इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये हमने विश्वास दिलाया कि बोले यहाँ पे काम शुरू हो गया है, सब एकजुट हो चुके हैं, इकट्ठे होकर के काम कर रहे हैं, और आरसीएम तभी चलेगा जब हम सब एकजुट होकर के इकट्ठे होकर के काम करेंगे। yes. ये हमारा एक शायद हमारी परीक्षा ले रहा है एक ऊपर वाला कि बिना देखे आज हमें सीखना है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में बात करूंगा, ज्यादा समय मेरे ख्याल से बोरिंग तो नहीं हो रहा है मुझे। सर जो आपने रिकॉर्ड किया था मैं टेस्टिमोनियल देना चाहता हूं, जो आपने भी बताया कि टीम टिकट नंबर पे काम कर रही है, अभी कल ही की घटना है दोस्तों, कल मेरे पास भीलवाड़ा से एक कॉल आता है, बोला जी कोई करके है कस्टमर के उनका कॉल आया, कह रहे सर आपका सामान आना था सर रिसीव हो गया, मैंने कहा कौन सा सामान, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर का नाम बताया, मैंने कहा मेरी नॉलेज में नहीं है, फिर उन्होंने कहा फला पीयूसी पे आना था, तो उस पे फिर पूछा तो उन्होंने क्या किया पीयूसी वाला कॉल नहीं उठा रहा था, पीयूसी का कोई शॉर्ट में डैमेज का कुछ इशू था तो वो कंपनी उनको भेज रही थी, तो पीयूसी वाला कॉल नहीं उठा रहा, तो उस पीयूसी में मेरी रिकमेंडेशन होगी, तो उन्होंने नंबर निकाला भाई लीडर कौन है, तो मेरे को निकाल के फोन किया कि सर आपका पीयूसी वाला कॉल नहीं उठा रहा, उसको मान मिला के नहीं मिला जो वारंटी कंपनी ने दिया होगा टिकट नंबर कि वो डैमेज होगा कोई प्रोडक्ट का होगा, तो पीयूसी तो छोटा लीडर को भी खोज करके कंपनी कह रही कि बाहर भेज दिया है आपके। देखिए बात ये है कि नहीं, क्योंकि हमने तो देखिए ठान लिया है और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं है सभी में ये कमियां है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, आप आए हैं अभी सब सीखते हैं कर रहे हैं,
ऐसे है, बट बहुत सारे लोग पीछे रह गए। मैं उनसे अपनी बात अब उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो पीछे रह गए हैं भाई जागे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रखनी। इतना बड़ा सिस्टम है, इतनी चीजें हैं कि आपको खुद ब खुद सक्षम बनना पड़ेगा, और उसके लिए कोई किसी के ऊपर बहुत ज्यादा इतना, इससे ज्यादा कोई सरल दुनिया में कोई काम हो सकता है क्या, मुझे ये बताइए। आरसीएम जितना सरल काम कुछ और दुनिया में कोई है क्या, दावे के साथ बोल सकता हूँ, गारंटी के साथ, कि इससे ज्यादा आसान काम नहीं है। सिर्फ कमी है कि भाई वो अब अंदर हम अभी ठंड बहुत है तो हमें कोई पानी डाले, नहीं नहीं कमी कुछ नहीं है, बस हमें जागरूकता की जरूरत है और कुछ गोल अपने लिए तय करने की जरूरत है। बाकी सब ठीक है, बढ़िया है, हम अच्छे हैं। अपने बारे में नेगेटिव ना सोचें, हम नेगेटिव सोच सोच के एक तो अपने आप को वैसे ही कमजोर कर लेते हैं, बल्कि अच्छा सोचें कि यार मुझे अगर आरसीएम से मैं जुड़ा हूँ और मैं टिक गया तो यानी मेरे लिए जीवन में परमात्मा ने कुछ तो लिखा है, तभी ये जबरदस्ती रोज आके कोई ना कोई हमें रोज उठाने आता है, तो यार अब तो जाग जाऊं यार मैं, इनको पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मैं जाग ही जाता हूं यार मैं। अरे अपने लिए तो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं कि आपको कल्पना से बाहर कुछ बड़ा गोल सेट करिए। FMCG का F भी नहीं पता था, लेकिन आज दावे के साथ ये बात बोल रहे हैं कि RCM के प्रोडक्ट को जिसको सबसे बेस्ट कंपनी मानते हो उसके पास में रख लीजिए। ये सिर्फ गोल सेट करने से हुआ है, ठीक है, पॉसिबल है। yes. तो यहाँ कुछ अब हम अलग बात आपसे उम्मीद कर सकते हैं। yes. अब एक बात तो जैसे सारे चीजों का समाधान हमारे पास में है, एक समाधान में और आपको बता सकता हूँ अगर चाहे तो। yes. कि RCM के बारे में जब आप बताना चाहते हैं ना तो पूरी बात कर पाना बहुत कठिन कार्य है। RCM में अगर जो एक कठिन कार्य है वो यही है कि भाई ये समझाना कि ये हाथी है। yes. Yes. बराबर है ना। yes. अभी हम क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति को RCM के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है हम उससे जाके मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। yes. बराबर है ना। yes. तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति अभी अंधा है एक तरह से, क्योंकि उसने तो RCM के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसको सुना ही नहीं, नाम ही नहीं सुना कभी। तो मान लीजिए कि वो व्यक्ति अंधा है और उसको अपन खड़ा करके और ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई RCM जो है वो एक चट्टान के जितना विशाल हाथी है, मानेंगे क्या? नहीं। आप भी मानोगे क्या? नहीं। लेकिन आप समझाने की कोशिश तो यही कर रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? yes. अच्छा अब वो क्या कर रहा है, अब आप उसको बताना चालू करेंगे पहले तो कि भाई मैं चलो तुमको समझाता हूँ कि RCM क्या है और क्या संभावना है इसके अंदर। तो आप बोलेंगे कि इसके आगे एक या हाथ लगाओ, ये देखो ये क्या है। तो उसने सूंड पे हाथ लगाया था, बोलेगा अच्छा पाइप जैसा है, क्योंकि इतना विशाल है तो आप बताते बताते उतना आप भी नहीं बता पाते हो, फिर ज्यादा से आपने पैर समझा दिए, तो पैर समझाएंगे तो बोलेंगे अच्छा कोई पेड़ जैसा है पहले जितना है, लेकिन इतना विशाल है ये तो मेरे तो बात। लेकिन अगर दिखा दोगे तो वो मान जाएगा क्या? yes. अगर आपको दिखा दो तो मान लोगे ना? yes. हाँ यार ये दिख रहा है यार, भले हेलीकॉप्टर में बिठा के दिखाओगे देखो ये चट्टान कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है तब तो मान जाओगे, दिखा yes. देंगे। yes. तो किसी को दिखाने से बात समझ में आती है, कैसे दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, उससे हो जाएगा काम? मीटिंग में दिखाने से काम हो जाएगा क्या? मीटिंग में सही तरीके से दिखाने से हो सकता है। yes. लेकिन मीटिंग की निर्भरता आ गई कि भैया मीटिंग होगी तो ही दिखाएंगे, बाकी तो नहीं दिखा सकते, क्या इसकी आवश्यकता है? बिना इसके संभव है क्या? yes. क्या ऐसे करने से बड़ा काम हो जाएगा क्या? भाई मीटिंग में आप जाते हो कि भाई एक सेलिब्रेशन की आवश्यकता होती है, हमने कुछ अचीव किया, उनको कुछ विजन दिखाना है कि इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके लिए वो अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन RCM क्या है, RCM के अंदर क्या ताकत है, क्या संभावना है, ये दिखाने के लिए सिर्फ मीटिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। मीटिंग में आप लेकर के जाइए, वो लेके जाना है तब वहीं पे विजन क्लियर होता है, लेकिन RCM के बताने का जो तरीका है वो मैं अभी ये PPT नहीं चल रही, लेकिन ये RCM की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर उस तरीके से अगर आप बताना चाहेंगे, किसी ने देखी वो PPT? लेकिन मैं बताता हूँ, PPT के माध्यम से दिखाएंगे तो
उसको सही तरीके से दिखा पाएंगे कि आरसीएम क्या है।